हिमाचल शिवसेना की बड़ी घोषणा, लोकसभा चुनाव में उतारेंगी प्रत्याशी। हिमाचल शिवसेना की लोकसभा चुनावों में बीजेपी के साथ मिलकर प्रत्याशी उतारने की योजना है। अगर बीजेपी साथ नहीं देती है तो वह अपना खुद का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेंगी। यह घोषणा शिवसेना हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष शिवदत्त वरिष्ठ ने की है। उन्होंने कहा कि शिवसेना हिमाचल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के आशीर्वाद से हिमाचल के लोकसभा में शिवसेना अपना दम भरेगी। और उन्होंने कहा कि हरियाणा के नूह में जो दंगा हुआ है वो एक संयोजित दंगा था। इस मामले में सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि दंगाइयों को कड़ा सबक मिल सके। इस मौके पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश कुमार, राजू प्रवक्ता जय दत्ता, उपाध्यक्ष हरीश अटवालवा, ठाकुर रविंद्र सिंह, संगठन मंत्री रविंद्र सिंह बिंदी, सचिव पंकज कौशल, सह सचिव राजीव मनन व अन्य सदस्य उपस्थित रहे। टोटल 9 सदस्य हैं, जिसमें से आज मुझे खुशी है कि हमारे 7 कार्यकर्ता सदस्य जो है वो आ रहे हैं। नहीं आया कि हिंदू नेताओं पे कोई दोषारोपण हो रहा है, पर जो दंगा हुआ है वो एक सोची समझी चाल के तहत हुआ है और इसकी शिवसेना जो है कड़े शब्दों में निंदा करती है और साथ ही केंद्र सरकार से मांग करती है कि दंगियों के लिए एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो कि उसको सुनते ही ये काफ जाए और ये काम ना हो। अगर आपके साथ समझौता नहीं होता महाराष्ट्र की तारीफ पर तो क्या करेंगे? निर्णय दे वो हमने लिए हैं, जो काफ़ी देर से हमारे मुद्दे पेंडिंग पड़े थे संगठन के बारे में विस्तार के लिए, उसके बारे में हमने एक रणनीति बनाई है कि हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो 15 दिन में 2 जिलों का दौरा करेंगे ताकि संगठन की मजबूती और चुनाव संबंधी जो अपनी है प्रतिक्रिया पब्लिक से लेकर वो शिवसेना की जो बैठक है वो कार्यकारिणी की बैठक थी और उसमें कुछ अपने मुद्दे थे उनके बारे में चर्चा की गई और विशेष रूप से इसमें चुनावों संबंधी जो है वो वार्तालाप किया गया और सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया कि शिवसेना हिमाचल में आने वाले 2024 के जो चुनाव हैं वो अपने दमखम पर लेंगे। साथ ही ये भी बात किया गया कि जैसे हमें हाई कमांड का आदेश है कि हम बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, उसके लिए सीटों के बंटवारे के बारे में जो है वो बातचीत भी हाई कमांड के साथ चल रही है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।